कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर शुक्रवार को जिलाधिकारी अमोल येडगे ने देगरस का दौरा कर तहसील में जारी विभिन्न उपाय योजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीण अस्पताल और कोविड केयर केंद्र का दौरा कर जिलाधिकारी ने डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों से चर्चा की। साथ ही स्थानीय प्रशासन ने अधिकारियों सहित स्टाफ से तहसील कार्यालय में हुई बैठक में वैक्सीनेशन और कोविड जांच की संख्या बढ़ाने सहित लोगों में कोविड-19 के दिशा निर्देशों की सख्ती में अमल में लाने की हिदायत भी दी। इस मौके पर शहर के विभिन्न पत्रकार संगठनों ने इकट्ठा कर जिलाधिकारी अमोल येडगे को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिले भर के पत्रकारों का जब तक फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में समावेश नहीं होता है तब तक पत्रकार कोविड वैक्सीनेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, इस आशय की मांग इस दौरान की गई। इस विषय पर जिलाधिकारी ने अपनी राय पेश की है। दारव्हा शहराला मी भेट दिली, दारव्हा तालुक्याला भेट दिली, आता परत दिग्रस तालुक्यामध्ये आलेलो आहे, दिग्रस शहरामध्ये आलेलो आहे। दोन्ही शहरामध्ये काही कंटेनमेंट झोनची मी पाहणी केली, जिथे जिथे आपलं लसीकरण सुरू आहे त्या लसीकरण केंद्राला सुद्धा भेटी दिल्या। तर आता मला लोकांना एकच आवाहन करायचं आहे की कोविडची जी त्रिसूत्री आहे, मास्कचा वापर, सुरक्षित अंतर आणि हाताची स्वच्छता याचंही पालन करावं। आणि जिल्ह्यामध्ये जवळपास 100 लसीकरण केंद्रावरती आपलं लसीकरण सुरू झालेलं आहे। कोविडची लसी पूर्णपणे सुरक्षित आहे। तर 45 वर्ष पूर्ण झालेल्या सर्व नागरिकांनी आणि जे कोणी ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यांनाही, जे कोणी तरुण आहेत त्यांनी लसीकरण केंद्रावरती घेऊन यावं, लस घ्यावी, लसीपासून स्वतःचं संरक्षण करून, लस घेऊन कोविडपासून स्वतःचं संरक्षण करून घ्यावं। आणि त्यासोबतच प्रशासनाकडून कोविडची जी टेस्टिंग केली जाते, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग केलं जातं आहे, सर्वे केला जातो आहे, त्यावेळी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावं। सर, पत्रकाराबद्दल सांगून द्या सर, की आता निवेदन दिलं तुम्हाला त्याबद्दल। पत्रकारांनी जे निवेदन दिलेलं आहे त्याबद्दल सकारात्मक विचार केला जाईल आणि त्याबाबतचा जो निर्णय आहे तो कळवला जाईल। इस मौके पर सौंपे गए ज्ञापन में बीते साल से अब तक पत्रकारों द्वारा प्रकाशित कोरोना की खबरों से न सिर्फ जनता को जागरूक किया बल्कि वक्त वक्त पर जिलाधिकारी द्वारा कोविड-19 के दिशा निर्देशों, कर्फ्यू, लॉकडाउन आदि के संदर्भ में जारी आदेश और सूचनाओं को लोगों तक पहुँचाया। विपरीत परिस्थितियों में पत्रकारिता कर लॉकडाउन से त्रस्त जनता की समस्याओं को प्रशासन के समक्ष भी रखा। ऐसे में पत्रकारों के इस योगदान पर गौर करने और उन्हें फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं की श्रेणी में शामिल करने और वैक्सीनेशन का लाभ दिलाए जाने की मांग का भी ज्ञापन इस ज्ञापन के माध्यम से की गई है। यवतमाल जिले के जितने भी पत्रकार लोग हैं इनको, इन्होंने कोरोना काल में जो खबरें लगाई, बहुत तकलीफों को झेल कर समय समय पर खबरें लगाई, उन सभी पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स करके सम्मान दिया जाए, ऐसे हमने जिलाधिकारी को आज निवेदन दिया। इसके साथ में सभी पत्रकारों को कोरोना लसीकरण कभी के मामले में अग्रगण्य की भूमिका दी जाए, ऐसी हमने उनसे मांग की है। इस मौके पर विभिन्न अखबारों, YouTube चैनलों और न्यूज पोर्टलों के पत्रकार प्रमुख रूप से उपस्थित थे। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।